हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सब लोग कैसे हैं? आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली की परौंठी। और मूली की परौंठी में मैंने थोड़ा हरा धनिया भी डाला है, और ये है प्याज, दो दो तीन मैंने प्याज भी लिए हैं। और इसमें डालूँगी हरी मिर्च। और अब मैं इनको, प्याज को इसमें मिक्स करूंगी। और जो मैंने छोटी छोटी हरी मिर्च काटी है वो भी इसमें मिक्स करूंगी। और आज मैं बना रही हूँ मूली की परांठे। और आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना। अब मैं इसको मिक्स करूंगी। और अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप जितना नमक खाते हो उस हिसाब से आपने भी नमक को ऐड कर लेना है। गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला जो परौंठी में है वो परौंठी को और टेस्ट बनाता है। और मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करी है इसमें, और थोड़ी सी मैं लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। इससे क्या है, कलर जो है थोड़ा अच्छा आता है और थोड़ी तीखी बनती है। मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और कई तो जैसे मूली को तड़का लगा के भी बनाते हैं, और हम लोग नहीं बनाते, हमें पसंद नहीं है। हमें कच्ची मूली को ही ग्राइंड करके और छोटे छोटे प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर ही अच्छी लगती है। और आप लोग भी इसको ट्राई करोगे, ऐसे बना कर खाओगे तो आपको भी अच्छी लगेगी। अब मैंने इस मिक्सचर को, मूली के मिक्सर को सारे को मिक्स कर लिया है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ परौंठी। देखो कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें। हेलो गाइस, अब मैं बनाने जा रही हूँ मूली के परौंठे। मूली के परौंठे जो है वो सिंगल पेयर में नहीं बनते हैं, क्योंकि मूली जो है ना थोड़ा पानी छोड़ती है। जब भी इसमें नमक ऐड किया जाता है ना तो इसमें पानी छोड़ देती है, इसलिए मैं दो टू पेयर में ही बनाती हूँ इसको। टू पेयर में क्या है, अच्छी तरह बनती है और परोंठी जो है ना खराब नहीं होती है। और सिंगल पेयर में बनाओ तो उसमें पानी छोड़ देती है मूली, और वो जो है परोंठी फिर सिंगल पेयर में खराब हो जाती है, चिपचिपी सी लगती है। इसलिए मैं बनाती हूँ डबल पेयर में। मूली को फिल कर रही हूँ, इसको मूली को अच्छी तरह परांठे में भर रही हूँ, जो परांठी खा के अच्छी तरह आप सबको टेस्ट आए, घर वालों को टेस्ट आए।
बच्चों को टेस्ट आए, और ऐसे मैं दूसरे पेयर को उसके ऊपर रख कर थोड़ा हल्का हल्का सूखा आटा लेकर हाथ में फिंगर से इसको दबा रही हूँ, इसके कॉर्नर जो कॉर्नर को अच्छी तरह दबाओगे तो इसके क्या है कॉर्नर खुलेंगे। अब मैंने गैस जला दी, अब मैंने इसको तोए पे डाल दी है। अब हल्की हल्की धीमी आंच पर इसको बनाएंगे। और हम तो पंजाब से बिलोंग करते हैं, और हम तो देसी घी और ये डालडा घी वगैरह अभी परोठों में यूज़ नहीं करते हैं। हम तो करते हैं सरसों का मंचूरियन सरसों का तेल यूज़ करते हैं। आप लोग जो भी यूज़ करते हो आप वो यूज़ कर सकते हो। अब हल्की हल्की धीमी आंच पर इसको पकाना है। आँच में परोंठी बनाई है मूली की, और अब ये मेरी मूली की परोंठी तैयार हो गई है। देखो कितनी प्यार अच्छी लग रही है। देखो कितनी अच्छी लग रही है फिल करी हुई, और साथ में दही के साथ इसको सर्व करो। जम्मी जम्मी मूली की परौंठी। और आप लोग को ये रेसिपी कैसे लगी, और आप लोग इसको सब्सक्राइब करो और शेयर करो और लाइक करो और कमेंट करो, और कमेंट करके ये बताओ आपको ये मूली की परोठी की रेसिपी कैसे लगी, और आपको घर पे ट्राई करके देखो आप लोग सब, और बहुत अच्छी लगती है ये सर्दियों में तो सबसे बेस्ट। आलू गोभी और मूली की परोठी बहुत अच्छी लगती है। बाय। और सबको मेरी रेसिपी जे मूली की परोठी की अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो और बेल कॉन को दबाओ, और जो मेरी रेसिपी आगे आगे मैं जो भी डालूँगी वो आप लोग को सबको मिले। बाय बाय, टेक केयर।